आज की मूवी एक ऐसे लड़के पे आधारित है जिसके पीछे पूरी 100 लड़कियां पड़ जाती है। दरअसल इन सारी लड़कियों ने उसका छोटा चेतन देख लिया होता है, जो कि छोटा नहीं बड़ा चेतन होता है, और वो सारी लड़कियां उसका हथियार लेना चाहती है। मूवी स्टार्ट होती है और हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि एक पार्टी से लौट रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे और उसके कारण उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा होता। जब ये लिफ्ट नीचे जा रही होती है तो तभी अचानक वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है और ये दोनों लिफ्ट में ही फंस जाते हैं। अब ये लोग भजन तो करेंगे नहीं, तब ये लोग दोनों लिफ्ट के अंदर ही खपागप शुरू कर देते हैं और अंधेरा होने के कारण ये दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते। तभी हम अगले दिन मैथ्यू को देखते हैं जो कि वहीं पर ही सो गया था। वो लड़की वहाँ से चली गई थी पर उसके अंडरगार्मेंट्स वहीं छूट जाते हैं। मैथ्यू ये बात अपने दोस्त को बताता है और कहीं ना कहीं मैथ्यू उस लड़की को पसंद करने लगा है। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम ये अंडरगार्मेंट लेके कॉलेज में जाओ और इस मैचिंग की ब्रा ढूंढ लो और वो जिसकी भी होगी वही वो लड़की निकलेगी। मैथ्यू को ये आइडिया पसंद आता है, तभी वो एक कॉलेज में जॉब पकड़ लेता है और बारी बारी से लड़कियों के रूम में जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था और खुद ही उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पहुंच जाता है। इससे उसे रूम में एंट्री भी मिल जाती थी और वो उनके अंडरगार्मेंट भी चेक कर लेता था। तभी एक दिन चेकिंग के दौरान मैथ्यू देखता है कि एक लड़की का बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा है। मैथ्यू को ये पसंद नहीं आता और मैथ्यू उस लड़की से फाइट करता है और वो उस लड़की को बचा लेता है जिसका नाम पैटी होता है। पैटी मैथ्यू को फर्स्ट एड देती है। तभी मैथ्यू के पास ऑलिन आती है और उससे कहती है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं जिसमें जो भी हारेगा उसे अपना सब कुछ उतारना होगा और यहाँ मैथ्यू ये हार जाता है और अर्लिन उसका सब कुछ उतरवा देती है और यहाँ सारी लड़की मैथ्यू का औजार देख के काफी खुश हो जाती है। तभी अर्लिन कहती है कैसे किया है बड़ा, बता दो मुझे, डाल दो इसे होल में वरना सो जाएगा ये खड़ा खड़ा। अब हम मैथ्यू को देखते हैं, वो थोड़ा टेंशन में होता है क्योंकि वो लगभग सारी लड़कियों के रूम चेक कर चुका है पर अभी तक उसे मैचिंग की वो ब्रा वाली लड़की नहीं मिली। तभी उसे डोरा नाम की लड़की का ख्याल आता है जो अभी तक अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली थी और उसे ये पता चलता है कि डोरा इसीलिए रूम से बाहर नहीं निकली क्योंकि उसे लगता है कि वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती। तभी मैथ्यू को वेंडी मिलती है तो मैथ्यू उसे सारी घटना बता देता है तो मैथ्यू की मदद करने के लिए वेंडी तैयार हो जाती है और उसके हेल्प से फाइनली उसे मैचिंग की ब्रा मिल जाती है पर जिसकी वो ब्रा थी वो लड़की गूंगी है। पर मैथ्यू को याद होता है कि लिफ्ट वाली वो लड़की गूंगी नहीं थी क्योंकि वो चीखे निकाल रही थी। तभी मैथ्यू पेपर में एक एड निकलवा देता है और उसमें मिस्टीरियस गर्ल की तलाश के लिए लिखता है जिससे वो लिफ्ट में मिला था और वो हर थर्सडे कॉलेज के बेसमेंट में उसका इंतजार करेगा। और यहाँ काफी सारे थर्सडे निकल जाते हैं पर वहाँ कोई भी नहीं आता। तभी मैथ्यू वेंडी से कहता है कि उसे लड़कियों से बात करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तभी वेंडी मैथ्यू को एक लड़की के गेटअप में लाती है और उसका नाम फ्रांसिस्का रखती है और उसे कहती है कि अब तुम सबके साथ लड़कियों की तरह ही बात करना, इससे तुम्हारा डर निकल जाएगा। तभी मैथ्यू सब लड़कियों के साथ बैठा होता है और वो उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने कभी लिफ्ट में हथियार लिया है। वो मैथ्यू को मना कर देती है और मैथ्यू को यहाँ भी निराशा ही हाथ लगती है। तभी एक दिन मैथ्यू पैटी के साथ होता है। पैटी उसे कहती है कि तुम उसे प्यार नहीं करते क्योंकि तुम्हारी नजरों में कभी प्यार नहीं दिखता। तभी वहाँ पैटी का बॉयफ्रेंड आता है और ये लोग उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं पर एक रूम में जाकर घपाघप करते हैं। तभी मैथ्यू को रियलाइज होता है कि वो पैटी को यूज कर रहा है क्योंकि वो अभी भी उस लिफ्ट वाली लड़की से ही प्यार करता है और वो सोचता है कि वो पैटी से ब्रेकअप कर लेगा। नेक्स्ट सीन में मैथ्यू उस लड़की का बेसमेंट में इंतजार कर रहा होता है और लड़की वहाँ आ भी जाती है और वो मैथ्यू से कहती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैथ्यू को बहुत बुरा लगता है और वो ये बात वेंडी को जाकर बताता है तो वेंडी कहती है कि हो सकता है वो पहले से ही किसी और को पसंद करती हो। तभी वेंडी कहती है कि अब सेमेस्टर खत्म होने वाले हैं, तुम्हें जल्दी से जल्दी कोई गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। तभी मैथ्यू फ्रांसिस्का बनकर पैडी के पास जाता है और उससे मैथ्यू के बारे में पूछता है कि क्या तुम अभी भी मैथ्यू से प्यार करती हो। पैडी कहती है हाँ मैं अभी भी उसे प्यार करती हूँ पर मैथ्यू किसी और को लाइक करता है। और ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी पैडी का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो ये दोनों को पेलने की कोशिश करता है पर मैथ्यू तो लड़का है, वो उसे कैसे पेल पाता। तब मैथ्यू उसकी जीप पर काट देता है। अब मैथ्यू बहुत परेशान हो चुका है और वो कॉलेज के बाहर आकर एक शायरी बोलता है, प्यार है तो सीने से क्यों नहीं लगाती हो, प्यार है तो सीने से क्यों नहीं लगाती हो, हम क्या मर गए हैं जो खुद ही अपने दबाते हो, किस बात का घमंड है जो हमें दर्शन नहीं देती हो, हमारा पसंद नहीं आया क्या किसी और का लेती हो, एक बार तो छू के देखो दोबारा, एक बार तो छू के देखो दोबारा, माँ कसम खोलने नहीं दूंगा तुम्हें नाड़ा, आखिर मैं कैसे दूं तुम्हें सबूत अपनी तन्हाई का, आखिर मैं कैसे दूं सबूत तुम्हें अपनी तन्हाई का, जाके उस लिफ्ट से पूछ वो गवाह है मेरे और तेरी ठुकाई का। अब ये बात सुनने के बाद वहाँ की सारी लड़कियाँ मैथ्यू से इम्प्रेस हो जाती है और सारी लड़कियाँ कहती है कि मैं ही वो लिफ्ट वाली लड़की हूँ। तभी मैथ्यू को एक शेडो दिखती है तो वो भाग के उस रूम के बाहर जाता है तो वो कोई और नहीं पैडी ही होती है पर पैडी उसे रिजेक्ट कर देती है ये बोलकर कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। अब मैथ्यू थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसे वो लड़की तो मिल गई है पर अब वो उसे पाए कैसे। तभी मैथ्यू एक दिन पैडी के पास जाता है और उसे देखने लगता है ताकि पैडी को पता चल जाए कि मैथ्यू
मैथ्यू से प्यार करता है। पैडी मैथ्यू को देखकर रोने लगती है और ये दोनों वहाँ पर नाड़ा खोलकर घपाघप करते हैं और ये मूवी ऐसे ही यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।